सब्सक्राइब कीजिए क्लस्टर कैरियर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्लस्टर करियर चैनल में। और काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कि सिक्स कट ऑफ आएगी क्या, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सभी को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, हमारा मैं रिव्यू कर रहा था कि फिफ्थ कट ऑफ तक कितने एडमिशन हो चुके हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो मेरे को पता चला कि हमारे पास टोटल सीट्स थी 2019 के सेशन में 61,500, लेकिन फिफ्थ कट ऑफ तक 64,000 एडमिशन हो चुके हैं। आप ये कह रहे होंगे कि सीट से ज्यादा एडमिशन कैसे हो गए, तो ये प्रोविजन होता है कि जितनी भी कट ऑफ जाएगी, जैसे मान लो किसी कॉलेज की और किसी कोर्स की, एक्स कोर्स की 90% कट ऑफ गई, फिफ्थ कट ऑफ मान ली हमने, तो 90% वाले जितने भी स्टूडेंट आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 20 सीट बची हैं या 30 सीट बची हैं तो हम उतनों को एडमिशन देंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे सबको एडमिशन मिलेगा। तो इसीलिए 64,000 एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे सीट्स वैकेंट हैं, रिजर्व कैटेगरी के साथ साथ जनरल कैटेगरी में भी। तो कॉलेजेस काफी सारे डिमांड कर रहे हैं कि सिक्स कट ऑफ लाई जाए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई ऑफिशियली न्यूज रिवील नहीं किया है। तो जो भी आपको ये कह रहा है कि ऑफिशियल न्यूज रिवील हो गई है डीयू की सिक्स कट ऑफ आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 दिन अभी लगेंगे क्योंकि डीयू खुद परेशान है एंट्रेंस बेस्ड कोर्स को लेके, फिर मेरिट बेस्ड कोर्स को लेके, दोनों को एक साथ कंबाइन करने में उसको काफी प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो 64,000 एडमिशन हो गए 61,000 सीट पे, ठीक है, तो इसमें कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं ST ST OBC, इनमें भी काफी कॉलेज में सीट वैकेंट है। तो चांसेस जहां तक है कि सिक्स कट ऑफ आएगी मेरी एडवाइस से, ठीक है, चांसेस जहां तक है सिक्स कट ऑफ आएगी, लेकिन आप इसको कंफर्म मान के ना चलें, आप अपना बैकअप साथ में प्लान करके चलें, क्योंकि बैकअप होना बहुत जरूरी है। अगर सिक्स कट ऑफ आई मान लो, ठीक है, सिक्स कट ऑफ आ गई और आपके मार्क्स तब भी नहीं उसमें मैच हो रहे, आपके मार्क्स तभी कंसीडर नहीं हो रहे, तो फिर आप कहाँ जाओगे। इसलिए बैकअप प्लान करना बहुत ही मैंडेटरी है यहाँ पे इस एज पे आके। सो प्लीज मेक श्योर कि यू शुड हैव बैकअप, ओके। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि एंट्रेंस बेस्ड कोर्स का रिजल्ट आ चुका है और एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं एंट्रेंस कोर्स के लिए, तो स्टूडेंट्स काफी सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरिट बेस्ड कोर्स में फिफ्थ कट ऑफ तक एडमिशन ले लिया है और उन्होंने मतलब मेरिट बेस्ड कोर्स में भी और एंट्रेंस बेस्ड कोर्स में भी अप्लाई किया हुआ था, तो उनका रिजल्ट आ गया है। तो अब वो वेट कर रहे हैं कि कब जल्द से जल्द एडमिशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जब भी एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज का एडमिशन स्टार्ट होगा तो वो अपने मेरिट बेस्ड कोर्सेज वाले में से अपना एडमिशन विड्रॉल करा लेंगे, तो उसके साथ फिर सीट वैकेंट हो जाएगी दोबारा से उस कॉलेज में, और वो कॉलेज चाहेगा कि उस सीट को जल्दी जल्दी फिल किया जाए, ठीक है। तो ये भी एक चांस है और ये भी एक फैक्ट है कि सिक्स्थ कट ऑफ आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, पेशेंस बनाए रखें कि सिक्स्थ कट ऑफ, आप चिल करो, सिक्स्थ कट ऑफ आएगी और मेरा मानना तो यही है कि आएगी, ठीक है। बाकी ऐसा अभी तक डीयू ने कुछ भी ऑफिशियली रिवील करके नहीं बताया है कि हाँ सिक्स्थ कट ऑफ आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा डीयू की वेबसाइट पर, आप भी विजिट करते होंगे तो आपको पता चला होगा कि हर बार जब कोई भी कट ऑफ आती है, जैसे फिफ्थ कट ऑफ आती है, फोर्थ कट ऑफ तक क्या होता है कि फोर्थ कट ऑफ आ गई उसके बाद कितनी सीट्स वैकेंट हैं, इसका एक कॉलम आता है वहां पे कि आप जाके चेक कर सकते हो किन किन कॉलेजेस में क्या कितनी सीट्स फुल हो गई और कितनी वैकेंट है। तो अभी फिफ्थ कट ऑफ की भी ऐसे ही आने वाली है, 2-3 दिन बाद वो कट ऑफ वो लिस्ट आ जाएगी, उसमें पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि सिक्स कट ऑफ आएगी डीयू की तरफ से। मेरी तरफ से चांसेस हैं आएगी आएगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें अभी वैकेंट हैं। तो आप लोग काफी सारे पूछ रहे थे कि सिक्स कट ऑफ आएगी क्या, सो मैंने अपनी एडवाइस दी है सिक्स कट ऑफ आएगी, लेकिन आप अपना एक बैकअप प्लान बना के चलें, क्योंकि वो बहुत ही मैंडेटरी है इस स्टेज पे आके, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक या फिर जिनका किसी कॉलेज में हो गया है, तो भी हो गया है, अगर उनका फेवरेट कॉलेज में नहीं आ रहा है तो आप तो उस कॉलेज में ग्रेजुएशन कर सकते हो, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो बैकअप प्लान होना चाहिए ना, ठीक है। सो ये चीज़ है कि सिक्स कट ऑफ आने के चांसेस हैं और एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के जल्दी ही एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, डीयू उसके लिए भी प्लानिंग कर ही रही है। तो आप सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना है उन सभी एस्पिरेंट्स तक जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सबकी हेल्प करनी है और सबका एडमिशन कराना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऑटोमेटिक वो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक फॉर योर एडमिशन।